दोस्तों हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट, स्पीड भी डाल दी, रनिंग भी डाल दी और स्टार्टिंग भी डाल दी। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ इसके स्टिकर में। तो स्टिकर में आपको दिखा दूँ मैं, एम्पेयर देखो इसका 2.2 एम्पेयर है, यानी कि ब्लेड के साथ लोड के साथ ये एम्पेयर पूरे लिखे जाते हैं। और खाली में एम्पेयर लेगी ये कम से कम 1 पॉइंट कुछ एम्पेयर लेगी, मतलब 1 एम्पेयर तो लेगी लेगी इसके आधे। ओके दोस्तों, 10 का कैपेसिटर है, 450 वोल्टेज है, 200 वाट है और एयर कंडीशन मोटर और 3 स्पीड मोटर है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ ये कितने एम्पेयर लेती है, हाई मीडियम लो पे। तो 1.135 एम्पेयर तो ये लेगी लेगी, कहेगा 2.2 एम्पेयर तो है इसके। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने येल्लो में कॉमन लगा चुका हूँ, इसकी रेड हाई है और ये ब्लू मीडियम है, ब्लैक लो है। चलिए तो मैं आपको इसका एम्पेयर चेक करवाता हूँ कितना ये एम्पेयर लेती है। तो पहले मैं आपको इसकी हाई चेक करवाता हूँ, ये रेड है। तो हमारी ये मोटर चल रही है 1.40 एम्पेयर ले रही है हाई पे, और मीडियम पे भी ये हमारी मीडियम चल रही है, मीडियम ले रही है 0.75 और लो हमने चला दिए, लो हमारी ले रही है 0.45। ओके दोस्तों, ये मैंने पूरा डाटा निकाला डाला और आपके सामने बिल्कुल साबित आपके सामने दिखा दिया मैंने कि किस तरीके से मोटर को वाइंड करा जाता है 3 स्पीड में। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियो बना के ला सकूँ। ये भी एसी की ही मोटर है। चलो, और कोई मोटर आएगी तो और उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मेरे पास एक ये मोटर आई है एसी की सिंगल शावट में, और आप देख सकते हैं ये 3 स्पीड मोटर है और अलग से कैपेसिटर भी है। कैपेसिटर इसमें है 10 mFD और आप देख सकते हैं इसमें जैक भी लगा हुआ है। तो हम आज इसको वाइंड करेंगे और इसका डाटा मेरे पास है नहीं, तो हम इसी का डाटा निकाल के इसी में डालेंगे। और ये है 3 स्पीड मोटर, और बाकी आपको मैं इसका कुछ और समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हैं इसमें रोटेशन है इसकी क्लॉकवाइज यानी सीधी, कैपेसिटर इसमें 10 का है, RPM है इसके 1230 और वोल्टेज है 220-240, मोटर फोर एयर कंडीशन 200 वाट। और इसमें आपको इसके बता देता हूँ मैं कनेक्शन किस तरीके से है ये। तो इसमें येलो कॉमन है, ब्राउन ब्राउन कैपेसिटर, रेड हाई है, ब्लू मीडियम है और ये ब्लैक लो है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हटके कनेक्शन है, बिल्कुल कॉमन भी अलग है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलूँगा, इसका काटूँगा, इसका डाटा नोट करूँगा, इसमें डाटा क्या निकलेगा। तो आप लोगों को अगर कुछ कमेंट से पूछना तो वो पूछ सकते हैं, और बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम इसमें से तारें चेक करेंगे, कौन कौन सी तार क्या है, तारें सारे जली पड़ी है, ब्लू उसकी लो है,
शुरू करते हैं इसको। बहुत से लोग घबरा जाते हैं इन चीज़ों को देख के कि ये डबल तार है, इसमें हाई में और रेड में भी डबल तार है और ब्लू में भी डबल तार है। ये कंपनी के कनेक्शन सबसे हटके होते हैं, तो हम करेंगे इनको अपने हिसाब से। हाई में 3 तार, लो में सिंगल तार और मीडियम में 2 तार होगी। तो दोस्तों काहे को हमारी रनिंग जो है सिंगल तार से, तो सिंगल तार से हमें पता लग जाता है कि सिंगल तार से वाइंड है। होगी दोस्तों ये हमारी रनिंग है, ये 4 के पीछे 6 के पीछे, और जो अभी मैंने इसमें कॉइल जला रखी है स्टार्टिंग, ये भी 4 के पीछे, ये भी 6 के पीछे पर इसमें है स्पीड है, तो स्पीड निकालेंगे हम बाद में। पहले हम रनिंग गिर लेते हैं, काहे को वो गर्म है कॉइल, ये इसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे जलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी काहे को गिनी नहीं जाती, और स्टार्टिंग में निकले स्पीड है। तो हम डाटा नोट करेंगे और ये डाटा हम इस मोटर में डालेंगे। ओके दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इसका डाटा नोट करते हैं। तो आप भी देखिए डाटा नोट किस तरीके से करा जाता है। एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, चालीस, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो इसके अंदर हमारे निकले 4 के पीछे में 80। तो हम सीधा अपने ही नोटबुक में डाटा नोट कर लेते हैं इसका। 80 निकले रनिंग में, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा 4 के पीछे में है 80। तो हम 80 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमारी 6 के पीछे की आई है हमारी, बनाते वो भी देखते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
100 गिनती कर ली है इसकी। अब ये बाकी की गिन लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 58 यानी कि सिंगल डबल राउंड है 180 खाली 160, तो सिंगल डबल राउंड है इसमें, तो इसमें 160 दिख रहा होगा आपको, मैंने डाटा में लिख लिया है। अभी हम स्पीड भी गिनेंगे और स्टार्टिंग भी गिनेंगे। ओके दोस्तों, सिंगल डबल राउंड है।
तो फिलहाल अब हमने उठा ली, इसके अंदर है स्पीड, तो हम पूरी इसको काउंट कर लेंगे इसमें से, फिर देखेंगे स्पीड कितनी टर्न है और पूरी गिनती कर लेंगे उसमें से हम निकाल देंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हमारा डाटा निकल चुका है इस वाली मोटर का, देख सकते हैं आप। सिंगल शावट आउटडोर के पता नहीं इनडोर के, पर ये 3 स्पीड मोटर है। मैं आपको इसकी लीडें भी दिखा देता हूँ, ये इसकी लीड है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी सारी लीड है, ये इसका जैक है, और ये 2 कैपेसिटर की तार है यानी कि 6 तार है, और इसमें कॉमन वॉमन सब मैं इसमें अपनी इस वीडियो में सब बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये वाली मोटर है 1400 RPM, डाया भी मैंने ना इनर डाया मैंने अभी नापा नहीं है। फिलहाल मैं आपको इसमें बता दूँ इसमें क्या क्या निकला है। 24 रॉड की है, RPM 1230, वाट है 200, कैपेसिटर है 10 mFD, पोल 4, कोर 1 इंची 300, डाटा ये निकला इसमें रनिंग में 25, स्पीड में 27, स्टार्टिंग में 26। तो आप टर्न देख सकते हैं, सिंगल डबल और सिंगल डबल में ही डाटा निकला है। तो ये 10 के कैपेसिटर की वाइंडिंग है जो मैंने इसमें डाटा निकाला है। बाकी आपको इसका इनर का डाया भी मैं आपको बता देता हूँ कितना इंच है। तो नापने के लिए ये रहा मेरा स्केल, जिससे मैं अपना स्कूल के टाइम पे मैं इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं था ये क्या चीज़ है, पर आज ये बहुत काम आ रहा मेरे। तो हमारा इनर का डाया है इसका 2.5 इंची, ठीक है, 2.5 4, 2 इंची 6 सूत इनर डाया है इसका, 2 इंची 6 सूत इसका इनर डाया है। कोर है 1 इंची 3 सूत, और ये मैंने इसमें डाटा नोट कर लिया है। अब मैं इसको वाइंड करूँगा, तो आपको इस मोटर के एम्पेयर आपको अपने इस एम्पेयर मीटर पर चेक करवाऊँगा कि मोटर कितना एम्पेयर लेती है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं इसके साफ़ सफाई करके पेपर पर डाल के आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने रनिंग बना चुका हूँ और स्पीड बना चुका हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग नहीं बनाई है। स्टार्टिंग इसलिए अभी नहीं बनाई है काहे को, मेरे को इसका स्टार्टिंग का फर्मा नापना होता है, स्टार्टिंग में फर्मा बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये रनिंग है। सेट बनाया ताकि हमारे जोड़ कनेक्शन ना आए, और इसी में ही हमारे रनिंग और स्पीड है। आप देख सकते हैं 25 नंबर से हमारी रनिंग है और 27 नंबर से हमारी स्पीड है जो इसमें हमने डाली है, और ये इसमें है 10 का कैपेसिटर। एक कॉल हमने फर्मा नापने के लिए चेक करा था, वो आप देख सकते हैं। और बाकी चलिए शुरू करते हैं कॉल डालना। सिंगल सिंगल सेट मैं बनाता नहीं, सेट एक बार में बना लो ताकि कनेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, और इसी में ही हमारी स्पीड के कॉइल भी डल जाते हैं। ओके दोस्तों, और ये है मोटर 3 स्पीड में। चार छः की पिच है इसमें, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कॉइल कितना हैवी है। वो इसके स्पीड मैंने रनिंग में डाली है, और स्पीड जो निकली थी इसकी स्टार्टिंग में निकली थी, तो मैंने सोचा चलो रनिंग में ही डाल देते स्पीड, स्टार्टिंग में भी डाल देता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रनिंग के साथ लीडर सेट आराम से निकल जाती है।
दोस्तों हमारा सेट डल चुका है रनिंग का, आप देख सकते हैं रनिंग। कॉइल भी एसी की मोटर में बड़े प्यार से डालना पड़ता है ताकि छिल गई तो शॉर्ट बहुत जल्दी होती है मोटर, जब आप फिट करने बैठोगे ना तो इम्पेयर ज़्यादा बताएगी फिर ये। कॉइल को बिल्कुल चपटा करके डालो जिससे कि कॉइल हमारा प्यार से डल जाए। एक कान की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है वाइंड करने में, नहीं तो वाइंडिंग ज़्यादा टाइट नहीं है, लूज ही निकली थी। हो गए दोस्तों हमारी रनिंग डल चुकी है, देख सकते हैं कनेक्शन करने अब इस पर और ये हमारी बन जाएगी रनिंग और स्टार्टिंग और स्पीड। हो गए दोस्तों बहुत सिंपल है, तो अब इसके स्टार्टिंग के भी कॉइल बनाऊंगा तो बाद में मिलते हैं।
ओके दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग भी बन चुकी है। स्टार्टिंग मैंने बनाई है 26 नंबर तार से, तो मैं आप लोगों को इसका डाटा पर्ची में एक बना के डाल दूंगा वीडियो के किसी भी एंड में। तो ये हमारे सिंगल स्टार्टिंग है। बस बढ़िया भाई। ओके दोस्तों, कस्टमर आ गए थे तो वीडियो रोकना पड़ गई। तो मैं क्या कह रहा था, इसका डाटा मैंने इसी का निकाल के इसी में डाल रहा हूँ, जिस जो हम कहते हैं इसको रिवाइंडिंग। और वाइंडिंग का मतलब है जो अपना बनाया हुआ डाटा। ओके दोस्तों, ऐसे तो मैं अपना भी डाल सकता बना के कुछ भी, पर जब जेन्युइन डाटा है इसी का ही तो इसी का ही डाल दो। और या ये थ्री स्पीड मोटर में, तो मैं थ्री स्पीड में निकाल रहा हूँ। मुझे लगा ही था स्टार्टिंग में फर्मा बड़ा हो जाता है, और वो हो ही गया। मैं सोच रहा था कि एक कॉइल सिंगल बना लूं और स्टार्टिंग का फर्मा चेक कर लूं। स्टार्टिंग का 6 के पिच का हमारा कॉइल बड़ा हो गया, यानी कि कभी भी एक कॉइल फर्मा छोटे पिच का अगर 4 के पिच का सही आ रहा है, बड़ी पिच का थोड़ा बड़ा आ रहा है इससे, तो स्टार्टिंग में समझ लो हमारा बड़ा ही कॉइल बनेगा 6 की पिच का। इसलिए पहले मैंने रनिंग बनाई थी, फिर मैं स्टार्टिंग बना रहा था। मैं चलो छोड़ो, देखी जाएगी, और देखने के चक्कर में ही थोड़ा सा कॉइल हमारा बढ़ गया और वजन भी बढ़ गया। तो वजन बढ़ गया तो चलो कोई बात नहीं।
तो ये हमारा आखिरी क्वेल 4 के पिच का। दोस्तों हमारी रनिंग स्टार्टिंग स्पीड दोनों डल चुकी है, तो मैं आप लोगों को कुछ कनेक्शन बता दूं। बहुत से लोग मेरे को कमेंट से पूछते रहते हैं कि भाई कनेक्शन कैसे करें, तार तो निकाल देते पर करें कैसे। तो भाई ये देख लो, ये शुरू के कॉइल का 2 सिरे यानी कि एक रनिंग और एक स्पीड, और आखिरी कॉइल के रनिंग के सिरे एक रनिंग और एक स्पीड यानी कि दो दो निकले ना। और ये हमारी स्टार्टिंग और ये हमारी ये मीडियम, ये 2 तार है इसे मीडियम है। ओके दोस्तों, अब हमें हाई बनानी है, तो हमें किस तरीके से हाई बनानी है, हमें एक शुरू के कॉइल का स्पीड का सिरा पकड़ लेंगे स्पीड वाला। तो जो स्पीड वाला सिरा है वही पकड़ना। मैंने देखो निशाने लगा रखी है स्पीड वाले कॉइल पे, तो ये स्पीड है और एक रनिंग का कॉइल पकड़ लो, ठीक है। ये बन गई हमारी हाई 2 तार वाली। अब 3 तार कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 तार ऐसे बनती है ताकि हमें कोई रोटेशन हमारी किस तरफ है, हमारी रोटेशन जैसे एंटी क्लॉक है तो हम ये वाला सिरा पकड़ लेंगे तो हमारी 3 तार हो जाएगी। अगर क्लॉक वाइज है तो हम ये वाला सिरा पकड़ लेंगे तो हमारी ये बन गई हाई। तो मेरी मोटर जो है क्लॉक वाइज है, तो समझ लो ये मेरी हाई बन गई, ये 3 तार वाली मेरी हाई बन गई। ये लो है, ये कॉमन प्लस कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग है और ये मीडियम है। ओके दोस्तों, अगर कुछ ही पूछना हो तो कमेंट से पूछ लेना, कमेंट्स में ही मैं जवाब दूंगा। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मत करो, किसी उस पे फ़ोन मत करो, व्हाट्सएप पे को मत पूछो, मेरे को यूट्यूब के कमेंट से पूछो, ताकि यूट्यूब वाला भी उस चीज़ को देखता है कि कमेंट से बंदा कुछ पूछ रहा है तो उसके रिप्लाई मिल रहा है। व्हाट्सएप पर मैं किसी किसी को देता हूँ, बाकी अदरवाइज़ मैं किसी को जवाब नहीं देता व्हाट्सएप पर। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते, इस पर लीड वीड लगाना, बाकी आप देखते रहना। तो चलो दोस्तों शुरू करते, इसमें मैं कनेक्शन बता देता हूँ आपको। तो ये हमारी 2 स्टार्टिंग है और हमारी ये 2 स्पीड है और ये 2 रनिंग है। तो हम अब ज़रा कनेक्शन कर लेते हैं अपनी मोटर के, पहले स्लीव काट लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इसकी हाई, तो हमारी सीधी रोटेशन है तो हम इसका आखिरी के कॉल का सिरा पकड़ेंगे। तो ये बन गई हमारी हाई। ओके दोस्तों, ये हमारी कॉमन, ये हमारी स्टार्टिंग की, और ये हमारी ये लो जो हमारी रनिंग के आखिरी के सिरे में थी साथ में ही, तो ये हमारी ये लो। ओके दोस्तों, और ये हमारी ये मीडियम जिसमें 2 तार है। मीडियम जो निकलती है वो बीच के जोड़ से निकलती है, स्पीड के बीच का जोड़ होता है उसे हम मीडियम कहते हैं। ओके दोस्तों, इस बात को नोट करना।
तो ओके दोस्तों, अब इसमें जरा हम लीड लगाते, लीड भी कैपेसिटर के इसमें ब्राउन ब्राउन कैपेसिटर और येलो इसकी कॉमन है, तो हम येलो और कॉमन दोनों एक साथ देंगे, येलो यानी कि कॉमन और ब्राउन कैपेसिटर, ये दोनों एक साथ जाएगी तार। चाहे तुम एक्स्ट्रा तार लगा के इसमें कैपेसिटर के अलग से निकाल सकते हो, या फिर एक साथ ही तार जोड़ सकते हो कॉमन और कैपेसिटर की, काहे को रनिंग कैपेसिटर होती है। बाकी के इसके कनेक्शन हम इसमें से चेक करके आपको बता देंगे। येलो कॉमन है, ब्राउन ब्राउन कैपेसिटर, रेड हाई है, ब्लू मीडियम है, ब्लैक लो है। तो हम रेड हाई और ब्लू मीडियम लगाते हैं पहले। तो जो रेड है इसमें तीन तार है, यानी कि ये हाई है हमारी, तीन तार, और ब्लैक जो है इसकी लो है, तो पहले हम लो भी लगा देते हैं। और हमारी ब्लू जो है मीडियम है, तो हम मीडियम भी लगा देते हैं। और स्टार्टिंग के हमारी ब्राउन है ही, तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं सीरीज में। हमारी लीड है, बोल रही नहीं बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है, यही बोल रही है, यही बोल रही है, और अर्थ भी चेक कर लेते हैं, अर्थ है नहीं। तो हमारी ये लीड जो है ये बढ़ चुकी है, यानी कि लग चुकी है, और कहीं जाना नहीं है, पूरी वीडियो देख के ही जाना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना के ला सकूँ। ओके दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, फिलहाल मैं इसमें धागा करने के बाद आपसे बाद में मिलता हूँ।